फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कुछ पजल्स हैं, टॉयज हैं जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हुए थे। कहाँ से शुरुआत करूँ ये तो नहीं पता, बट आज मूड किया कि चलो कुछ शेयर करते हैं बच्चों को। अगर हमें कुछ एजुकेशनल टॉयज देने हैं तो ये सारे बेस्ट टॉयज हैं। और लाइक मैं शुरुआत करती हूँ कि जब मेरा बेबी नर्सरी क्लासेस में था, सब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली पजल ली थी, वन एंड मेनी कार्ड्स वाली पजल, जिसमें बच्चे वन और मेनी में डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। फिर ये अल्फ़ाबेट वाली पजल ली हुई थी कि बच्चे अल्फ़ाबेट ए फॉर एप्पल है और ऐसे बनाएंगे, जिसमें कि पीछे टर्न करने पर इसमें कलरिंग का भी ऑप्शन है, फिर ये लिया हुआ था। उसके बाद फिर ऐसे तो बहुत से ब्लॉक लिए थे। फिर इसके बाद आप ये देख सकते हो, रीड मैच एंड प्रैक्टिस वाला लिया हुआ था, जिसमें कि आप थ्री लेटर्स को मैच करके एक आप वर्ड बना लेते हो। इसमें प्रैक्टिस बुक्स भी हैं और एक छोटी सी वो बुक जो आपको दिख रही है वो भी चीज़ें हैं। तो वो बहुत हेल्प की थी मेरे बच्चे को पढ़ने में और वर्ड मीनिंग लर्न करने में। फिर ये थ्री इन वन कॉम्बो पैक वाली भी एक्टिविटी बुक ली थी, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें भी वो मैजिकल बुक भी थी, बच्चे कैसे फ्रूट्स बनाए और एक्टिविटीज़ करें, कलर वलर वाली काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी। अभी खोल के दिखाने का इतना टाइम नहीं है। फिर बच्चों को क्योंकि शेप का नॉलेज देना था, तो इसलिए ये वाली बुक ये लिया हुआ था पजल, जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, जितने भी शेप्स होते हैं लगभग हर प्रकार के इस शेप्स थे, वो बच्चे को दिया हुआ था। फिर ये आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा करीब करके, ये बहुत ही अच्छा था। क्रिसमस पे ये बच्चों को मैंने दिया था ब्लॉक्स, और बिल्कुल जैसा आपको इसमें दिख रहा है ऐसे ही वो ब्लॉक्स बनते हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और बच्चों के लिए वो काफ़ी मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो टू इन वन का काम ये करता है। बेबी जब मेरा बहुत छोटा था तो मैंने ये भी लिया हुआ था, ये फिशर प्राइस का और ऑफर में मिल गया था काफ़ी सस्ते में। अच्छा तो ये देखो, पहले मैंने उनको शेप्स जो थे वो इसी पजल से सिखाए हुए थे, उसके बाद मैंने पजल कार्ड लिया हुआ था। फिर ये व्हाट कम्स इन नेक्स्ट वाला भी पजल बहुत अच्छा है, जिसमें बेबी जो है वो पिक्चर को अटैच करके बताता है कि हाँ कि इसके बाद ये काम करना है। इस पर शायद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा। ये एक और है लिटिल रिंग वाला। ये फिर ये रीडिंग एडवेंचर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। मैंने लूडो खेलने खेलना अच्छा है, मैं बेकार नहीं बोलती हूँ, बट ये भी रीडिंग एडवेंचर वाला गेम बहुत ही अच्छा है। इसमें फोनिक्स है, राइमिंग वर्ड्स, अपोजिट, कंपाउंड वर्ड्स, प्लूरल, सब आप देख सकते हो। और इसमें ना जब आप डाइस से बच्चे करते हैं तो जिस पर जो टर्न आता है वो कार्ड मिलता है, फिर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है उससे, और फिर उसका आंसर सही होने पर वो उतने उतने स्टेप्स आगे बढ़ता रहता है, और फिर वो अंत में फिर वो जीतता है। अगर आप कभी इसको खरीद पाओगे तो खरीदना, काफ़ी अच्छा है ये। फिर देखो मैंने ये लिया था थोड़ा, ये साइंस वाला ये लिया था पजल, टूल्स वी यूज़। इसमें जिसमें कि बताया गया था कि पूरे 14 सेट्स हैं ऑफ 3 पीसेस, कि एक व्यक्ति क्या करता है। अभी यहाँ जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये अभी जैसे जो फोटोज हैं, ठीक है, तो ये आपका ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, ये इस टूल को यूज़ करता है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए कि आपको ये दो पिक्चर को मिला करके थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल वैसा शो होना चाहिए। वैसे ये बॉय है, आप देख सकते हो ये कैमरे को लिया है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन। ऐसे करके बच्चे बनाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस टूल्स को यूज करता है। फिर आप ये वाला पजल देखो, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। कुल 24 पीसेस थी। अभी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप पिक्चर में देखो कि यू सिट ऑन इट, तो आप किस पर बैठोगे, यू सिट ऑन द चेयर। सो बच्चों की स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है, और थोड़ा सा बच्चों का नॉलेज कितना उन्होंने गेन किया है आसपास के एनवायरनमेंट से, वो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर अभी मैं आपको ये दिखलाती हूँ, अपने छोटे बेबी के लिए ये लिया हुआ था पजल लिया हुआ था, तो इसमें फोर मतलब पार्ट्स होते हैं, देखो लिखा हुआ है 4, 6 और 5 पार्ट्स, उतने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, और आपको उनको बच्चों को बनाना होता है। बच्चे बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बना लेते हैं ये। फिर मैं देखो मैंने ये होमोफोन्स वाला भी लिया था पजल, बहुत बेहतरीन है ये भी, कि बच्चे सेम वर्ड को सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं बट इनकी मीनिंग अलग होती है, तो ये इसके लिए ये बेस्ट वन है। फिर ये सिनोनिम लिया हुआ था कि मैंने जैसे कि अगर आप कार को टैक्सी भी बोलते हो, कैब भी बोलते हो, तो बच्चे को दो दो वर्ड्स के नॉलेज होंगे, अभी बचपन से ही वो जान पाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ऑन माय पजल्स व्हिच आई हैड फॉर माय किड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी पजल्स पसंद आए तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, चाहे बर्थडे हो या कोई भी फेस्टिवल्स हो। ऐसे गिफ्ट दें जो बच्चों के साथ साथ आपको भी खुशियाँ प्रदान करें। थैंक यू।